हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल खंडेल आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लव फर्नीचर में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर एक्जोरा प्लांट। जी हाँ, मैं आज आप लोग के साथ एक्जोरा प्लांट पर चर्चा करेंगे किस तरह आप लोग इसकी काफ़ी अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक्जोरा के प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। समर्स के सीजन में मेनली काफ़ी अच्छे देख सकते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और एक मिनी साइज का भी आता है, वो भी देख सकते हैं, मेरा खिल रहा है काफ़ी अच्छा। ये भी ऑरेंज कलर का है और काफ़ी डिफरेंट कलर वेरिएशन में आते हैं इसमें, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज और काफ़ी सारे कलर वेरिएशन है। तो और सभी के सभी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए सबसे पहले इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एक्जोरा प्लांट की अगर सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिनिमम इसे 5 to 6 आवर की सनलाइट चाहिए। मेनली एक सन लविंग प्लांट ही है, सनलाइट के प्रेजेंट काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये एक आउटडोर प्लांट है, कुछ लोग इसे इंडोर प्लांट समझते हैं, तो इसे इंडोर ना रखें क्योंकि इसकी इंडोर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग भी इसमें नहीं हो पा सकती है। और मेनली ये धूप में ही ग्रो करता है, तो मिनिमम इसकी 5 to 6 आवर की सनलाइट चाहिए इसे, तभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्लांट है, काफ़ी सारे इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं, बंच में भी देख सकते हो, और ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एक्जोरा प्लांट को मिलने आप लोग डेली बेसिस पे वाटरिंग कर सकते हैं। इसे मॉइस्चर काफ़ी अच्छा लगता है सॉइल में, तो आप लोगों को बस सॉइल में क्या करना है, मॉइस्चर मेंटेन करना है और आप लोग इसे डेली बेसिस पे वाटरिंग कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है इसे वाटरिंग। अगर सॉइल की बात की जाए तो अगर आप लोग अपने एक्जोरा प्लांट को पॉट में लगाए हुए तो ऐसे में आप लोग क्या करना है, 40% सैंड, 40% सॉइल और 20% आप लोग कार्डन कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर में से लगे, काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। अगर प्रोपागेशन की बात की जाए तो एक्जोरा प्लांट काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, स्टेम कटिंग से मेनली। और आप लोग इसे 5 to 6 इंच की कटिंग लगा सकते हैं, 5 to 6 इंच की कटिंग काफ़ी अच्छी सक्सेसफुली ग्रो हो जाता है, काफ़ी आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। और देख सकते हैं मेरा एक प्लांट जो कटिंग से ही ग्रो किया गया मेनली, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। एक ये मेरा मिनी वाला है, देख सकते हैं इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है, ये भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देख सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं। और मैंने इसकी थोड़ी बहुत देख सकते कटिंग भी की थी, काफ़ी डी शेप फोड़ा था, अब यहाँ से बहुत सारे नए नए ब्रांचेज आएंगे और इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स आएंगे और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। और अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए एक्जोरा प्लांट को, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए या तो जब भी आप लोग इसे लगाइए, बस उस समय आप लोग एक हिस्सा इसमें कार्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, सफिशियंट है, 1 in a year इसके लिए सफिशियंट है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग हर 15 से 20 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह दे सकते हैं, जिससे इसकी सॉइल क्या रहे, एसिडिक बना रहे। आप लोग ऐसा फर्टिलाइजर देना है जो इसकी सॉइल को एसिडिक बनाए रखे, क्योंकि एक्जोरा प्लांट को एसिडिक सॉइल काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे में आप लोग इसे लेमन पील फर्टिलाइजर या ऑरेंज पील फर्टिलाइजर वगैरह दे सकते हैं हर 15 से 20 दिन के बाद। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके सॉइल में मेंटेन रहेगा, एसिडिक सॉइल बना रहेगा और ढेर सारे आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी, देख सकते हैं मेरी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर जिससे आप लोग अपने सॉइल को एसिडिक बना रख सकते हैं, तो मैं इससे कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और अगर पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो अगर आप लोग के एक्जोरा प्लांट पर इंसेक्ट्स वगैरह लगते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे नीम स्प्रे वगैरह कर सकते हैं 1 in a week। तो नीम स्प्रे किस तरह घर पे बनाते हैं इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, या तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स वगैरह पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, तो मैं इसमें से कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब ये फ्लावर्स वगैरह जैसे देख सकते हैं खिल गया, तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे कट करके रिमूव कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ से कट कर देंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, दो साइड ब्रांचेज और निकलेंगे और जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेज रहेंगे उतनी ज़्यादा इसमें बर्ड्स आएंगे और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। देख सकते हैं मेरा एक यहाँ फ्लावर खिला था, तो मैंने कट कर दिया था, तो दो साइड से देख सकते हैं ब्रांचेस निकले और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करते रहता हूँ ताकि काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी हो। इस वाले का भी मैं देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग करना, आप लोग को ज़्यादा नहीं करना है, देख सकते हैं थोड़ी बहुत मैंने टिप्स वगैरह रिमूव कर दी थी ताकि साइड ब्रांचेस काफ़ी सारे निकले और फ्लावरिंग काफ़ी सारे हो। और आप लोग को क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने सॉइल में एसिडिक फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते रहिए, जिससे ढेर सारे आपके फ्लावर प्लांट्स में फ्लावरिंग हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हो किस तरह काफ़ी अच्छे से आप लोग को एक्जोरा प्लांट की केयर करनी है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं प्लांट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग लाता रहूँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।